फ्रेंड्स, अनिताज लव में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी डिश सिखाने वाली हूँ जो बहुत ही इजी है, हेल्दी है और टेस्टी भी है, और वो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स में ही बनती है। वो मैंने मेरी फ्रेंड से सीखी है। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं दाल पत्री रोटी। दाल पत्री रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए, यह है रोटी का नरम गूंथा हुआ आटा, यह है धुली हुई मूंग दाल, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च, सोल्ट, पिसी हुई शक्कर, सुगर और ये है घी। ये जो हमारी धुली हुई मूंग दाल है उसे हमें महीन पीसना है। ये दाल हमारी पीस के रेडी हो गई है। अब हम उसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारा पीस के रेडी हो गया है। अब हम उसमें ये काली मिर्च और नमक डाल देते हैं। और उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा जो ये रोटी का आटा है उसमें से हमें 2 पतली पतली रोटी बनानी है। गरम करने के लिए रख दिए। ये रोटी को हम ये मिट्टी की तवी पे ही पकाएंगे। हमारी रोटी बेल के रेडी हो गई है। अब हमने जो ये पेस्ट किए रेडी काली मिर्च और सोल्ट वाली मूंग दाल की, इसे हम इस पर लगाते हैं। हमें इसे अच्छे से स्प्रेड करना है। दूसरी जो हमारी रोटी है हम उसे रख देते हैं और उसे साइड उसकी चारों ओर से उसे दबा के अच्छे से प्रेस करके सील कर देते हैं, यानी हमारी दाल बाहर नहीं निकल जाए। अब हम उसे हमारा जो ये मिट्टी का तवा हमने गर्म कर लिया है उस पर धीमी आंच पे उसे पकाते हैं। कम से कम दोनों साइड उसे पकाने में 4-5 मिनट तो लगेंगे। ये हमारी एक साइड पक के रेडी हो गई है। अब हम उसे दूसरी ओर भी पका लेते हैं। हमारी रोटी पक के रेडी हो गई है। अब हम उसे प्लेट में निकाल लेते हैं सर्विंग के लिए। अब ये जब गरम गरम हो तभी उसमें हमें ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे खट्टे कर लेने हैं, ऐसे चुटकी से। अब उसमें हमें बहुत सारा घी डालना है। और ये जो हमारी शक्कर और ये शक्कर इसके ऊपर हमें डालना है। Thank you.
ये हमारी दाल पत्री रोटी रेडी है, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट, बनाने में एकदम इजी और हेल्दी। ये हमारी ऐसी स्वीट है जो हेल्दी है। अगर हम ये एक ही खा लेते हैं, इसके साथ कुछ और नहीं लेते हैं, ये एक रोटी ही खा लेते हैं, तो भी हमें बहुत सारे न्यूट्रिशन भी मिल जाते हैं और हमारा पेट भी अच्छे से भर जाता है। तो ये हमारी रेडी है दाल पत्री रोटी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।